प्रेमचंद के बारे में इतनी बड़ी विरासत है, इतने बड़े लेखक हैं, इतनी इतनी कहानियाँ लिख रखी, सांप्रदायिकता के बारे में भी लिख रखी, इसके बारे में भी लिख रखी, उसके बारे में भी लिख रखी, लेकिन मारे लोगों ने पता ही नहीं। प्रेमचंद इतने बड़े लेखक हैं कि उन्होंने अपने समय का सारा ही स्वतंत्रता आंदोलन उसके अंदर बता दिया, गरीबों की क्या हालत थी, क्या स्थितियां थी, क्या स्ट्रगल थे, लेकिन जिनके बारे में प्रेमचंद लिख रहे थे उनने पता ही नहीं कि प्रेमचंद भी है। और जिसको पता भी है, थोड़ा बहुत सिलेबस में पढ़ लिया होगा कभी कोई कहानी वगैरह, उनको भी उसका कोई ये नहीं है कि भी चलो आई बार फंक्शन होते हैं अपन दोबारा ये उठा के देख लें भाई ऐसी क्या खास बात थी, इतनी बड़ी महान शख्सियत है। तो ये मैं मेरे ये भी बात दिमाग में आ रही थी कि भाई जब हम ऐसे विरासत की बात करते हैं, ये बातें तभी करनी पड़ती हैं हमें फंक्शन, जब वो समाज से गायब हो जाने लगती हैं चीज़ें, कि जब समाज के अंदर से धीरे 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 उनकी स्मृति भूलने लगती है, तब ये विषय फिर यहाँ बैनरों पर आकर के चिपक जाते हैं, और फिर हम उसको जैसे धरोहर होती है ना टांड पे दरी हुई चीज़ें, वो हालत हो जाती है। ये मैं बड़े दुख से कह रहा हूँ, ये बात बड़े भारी मन से ये बात कह रहा हूँ, इसीलिए ये फिर सेमिनारों और गोष्ठियों का विषय रह जाता है। ये चिंता की बात है सबसे बड़ी, कि प्रेमचंद, उधम सिंह और प्रेमचंद के साथ के जो पूरा वो आप याद करो स्वतंत्रता आंदोलन, कि इतने नेता, इतने क्रांतिकारी, इतने साहित्यकार और कितनी बड़ी ताकत उसके आगे खड़ी हुई थी, कितनी क्रूर सत्ता, सारे कानून उनके पक्ष में, सारा सब कुछ, लेकिन लोग ना डरे ना उनके बहकाई में आए, कुछ भी नहीं हुआ। क्या कारण था, क्या वजह रही होगी, क्या उन नेताओं ने अपने लोगों को समझाया होगा, किस तरह बात करी होगी, किस तरह कैसे करा होगा। उस टाइम के नेताओं की बात कर लो, टैगोर की उसकी बात करते हैं गांधी की, उसके दोस्त पढ़ लो कौन कौन थे, आइंस्टाइन भी थे, टैगोर भी थे, जितने भी साहित्यकार थे वो सारे थे। नेहरू की बात कर लो, उसके भी प्रेमचंद भी दोस्त थे, टैगोर भी दोस्त थे, और कितने ही साहित्यकार दोस्त थे, वो एक सारा मिलकर ही काम था। लेकिन अब जब हम विरासत की बात कर रहे हैं, और तो हमारा उस साहित्य से या उस पूरे उससे कितना संपर्क है, कितना हम उसमें शामिल हैं, ये एक जरूर चिंता की बात है। अब हम जब इनको याद करते हैं, दो बड़ी शख्सियतों को, प्रेमचंद, शहीद उधम सिंह, क्यों याद करते हैं? इसीलिए याद करते हैं कि उन्होंने अपने समाज को समझा, अपने समाज की समस्याओं को समझा, जो दिक्कतें आ रही थी लोगों की, उस मानसिकता को समझा, और जो तकलीफ देने वाले लोग थे या नीतियां थी, कानून थे, उसको समझा, और फिर उसको दूर करने के उपाय ढूंढे, और उपाय नहीं ढूंढे, खुद उसमें शामिल भी हो गए, इसीलिए तो याद करते हैं। अब फिर जब ये बात हमारे सामने आती है कि भाई उन्होंने अपने समाज को समझा, तो यदि हम उनको समझें तो उनके माध्यम से हम अपने समाज को समझना सीख जाएंगे, लेकिन यदि हम उनको समझेंगे ही नहीं तो आप क्यों कर समझेंगे अपने समाज को। यदि इन शहीदों को या इन लेखकों को कि इनकी क्या दृष्टि थी, इन्होंने कैसे देखा था अपने समाज को, किस तरह से समस्याओं को समझा था, वो तभी हमें पता चलेगा जब हम इनके साथ जुड़ेंगे अपने आप को, इनके साहित्य के साथ जुड़ेंगे। कृष्ण जी इतने नाम ले रहे थे, शहीद उधम सिंह, उधम सिंह कैसे बने, जब ये पता लगाने निकलेंगे आपा, सिर्फ ये बात नहीं है कि जलियांवाला बाग कांड हुआ उसमें इतने लोग मारे गए, एक अकेला उधम सिंह नहीं था, लाखों लोगों को इस बात का पता था, सारे तो नहीं गए इंग्लैंड, हजारों लोग थे, उधम सिंह ही क्यों गए, उधम सिंह का ही क्या तकलीफ हुई ज्यादा, कोई रिश्तेदार नहीं था उसमें मरने वाला, कोई अपना बहुत नजदीकी नहीं था, कुछ भी नहीं।
फिर भी गए। उसमें सिर्फ घटना घटित होने की बात नहीं है, बल्कि उस घटना को कैसे देखा, कैसे समझा, कैसे जाना, कैसे उसके साथ अपने आप को जोड़ा, उस घटना के कारणों और परिणामों को देखा, और आज्ञा इस तरह की बातें ना हो उस बात को समझा, तब वो ऐसा कर पाए। नहीं तो शोषण तो सबके साथ ही हो रहा, सारे तो अंबेडकर नहीं बने, सबके साथ ही छुआछूत की घटनाएं उससे भी ज़्यादा हो रही, वो अकेले ही क्यों बने? शहीद भगत सिंह अकेले ही शहीद भगत सिंह क्यों बन गए? जब हम इनको पढ़ते हैं, जानते हैं, तो हमारे को ये बात समझ में आएगी। शहीद भगत सिंह के भी 100-200 किताबों की लिस्ट है। ऊधम सिंह भी कहते थे कि भी मेरी भी सबसे प्यारी किताब है वो वारिस शाह की हीर है, हीर रांझा, जो वारिस शाह ने लिखी वो है, कि मेरा भी ये है। वो भी उसकी भी जब उसको जेल हुई पहले यहाँ इंडिया में ही, तो उसकी उसमें से भी गदर की गूंज, फलाना पैम्फलेट, रूस की फलानी चीज़, वो उसके उसमें तो पाई टैची में से तभी हुई। तो ये जो उसकी चेतना का जो विकास हुआ, वो अपने समय के साहित्य को और अपने से पहले के साहित्य को पढ़ के ही तो हुआ। इसलिए सबसे हमारे को ये बात समझ में आती है जो कृष्ण जी कह रहे थे, इतने नाम बता रहे थे और प्रेमचंद की पढ़ के भी सुना रहे थे थोड़ा सा और प्रेरित करने के लिए हमारे को, कि भाई ऐसे उन्होंने समाज को समझा था और इस तरीके से बातें हुई थी। ऐसे बताया था कि खाली साम्राज्यवाद से नहीं लड़ सकते, आपको सामंतवाद से भी लड़ना पड़ेगा। ये सामंतवाद कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि भाई उधर ही इससे लड़ना है, कोई निशाना मारना है इसका, ये हमारा भीतर बैठा, हमारे व्यवहार में, वो हमारी सोच में। जब हम एक जाति को नीचा समझते हैं तो समझो सामंतवाद आ गया, और कुछ नहीं होता सामंतवाद। जब हम मान लो लड़का लड़की में फर्क करने लगते हैं तो समझो सामंतवाद आ गया। यानी कि कोई भी ऊंच नीच को मानते हैं तो यही है सामंतवाद और कुछ नहीं, और वो हमारे व्यवहार में भरया पड़ा। और सामंतवाद के लड़ने के लिए कहीं मोर्चा बजाना पड़ेगा, वो तो हमने अपने व्यवहार से, अपने रीति रिवाजों से, अपने काम करने के तौर तरीकों से, अपने संबंधों से, अपनी सोच से, इन सब चीजों में छुपे हुआ है वो, उसको ढूंढना पड़ेगा और उसको निकालना पड़ेगा। अभी सामंतवाद कहाँ है, इसकी पहचान करने के लिए फिर हमारे को कोई ऐसी दृष्टि की जरूरत होती है ताकि हम पहली नज़र में पहचान ले यो है। और वो कहाँ से आती है? वो इन्हीं से आती है, वो इसी साहित्य से आती है। तो इसलिए जो कृष्ण जी ने कहा वो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। इतने सारे उन्होंने कहानियों के नाम लिए, आप फलाना पढ़ लो, आप फलाना पढ़ लो, ये किसी और के लिए नहीं कहे, ये हमारे लिए कहे हैं जो सुन रहे हैं, कि भी यदि हम इस समाज में इंटरेस्टेड हैं, उस विरासत को पहचानना चाहते हैं, उस विरासत से जुड़ना चाहते हैं, उसका और कोई तरीका नहीं है। उसका तरीका यही है कि उनका जो बनाया हुआ है उसी से जुड़ो, वो हमारी चेतना के अंदर शामिल हो जाना चाहिए। और वो कैसे होएगा, उसका भी और कोई तरीका नहीं है, कोई इंजेक्शन तो लग देनी चेतना के, नरेश जी कैप्सूल नहीं आंदे, वो तो खुद ही पैदा होती है अपने अंदर, अपने चेतना का गुण है चेतना एक जो, और उसके अंदर वो इसी चीज़ से पैदा होती है। तो इसलिए जब हम ये देखते हैं कि एक बंदा साधारण परिवार में पैदा हुआ, बिल्कुल अनाथ गरीब, जिसका कोई कुछ नहीं, कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं, वो वहाँ पहुँच गया दुनिया में, इस बात से भी नहीं डरा, उसको पता था कि भी यहाँ कुछ कांड हो गया तो फांसी टूटेगा, क्या वो इतना अनजान नहीं था कि भाई बच के भाग जाएगा आदमी? ये बात उसके दिमाग में कहाँ आई कि भी वो जान से भी को भी बाजी लगा के, जान की भी, कि वो जो है ये काम कर गए, हम याद कर रहे हैं उनको इतने सालों बाद, ये कहाँ से आई? छोटी सी भी कोई तकलीफ हो जाए मैं तो सोचूं भी मेज का तड़ा लुक का टाइम काट लूं किसी तरह।
वो क्यों नहीं डरे, वो डर कैसे निकला, या ये काम करना क्यों जरूरी लगा उनको कि ये बंदा जो है, यहाँ तीन बंदे हैं, चार बंदे हैं भाषण दे रहे हैं इंग्लैंड की उधम सिंह, ये एक से एक गप्पे मार रहे हैं कि हमने कैसे अंग्रेजों को, इंडियंस को डॉग्स की तरह से ट्रीट किया और इनको ऐसे ही करना चाहिए, ऐसे ऐसी तो बातें बता रहे थे उस भाषण में, वो जिसमें गोली मारी। वो तीनों बंदे यहीं के थे, इंडिया में रहे थे अफसर, मौके पर ही थे जलियांवाला कांड वाले, उसमें कोई किसी तरह का अधिकारी था, कोई किसी तरह का अधिकारी था, वो उस टाइम के अपने सुना रहे थे। ये कैसे, मतलब जब ये जो आ जाती है, जब इतनी बड़ी बात बनती है, और कई उन्होंने ये बातें, जब उन पर मुकदमा चला, उधम सिंह का मुकदमा जो हुआ बहुत ही जल्दी ख़त्म हो गया था, मतलब 4 जून को शुरू हुआ, 5 जून को फांसी की सज़ा सुना दी, एक दिन में सेटल हो गया। 4 को शुरू हुआ मुकदमा, इतना बड़ा हाई प्रोफाइल केस, 24 गवाह, सारे के सारे उधम सिंह के खिलाफ, वही एक अकेला अपने पक्ष में था, बाकी कोई, इतना बड़ा मुकदमा एक दिन में। जो उसने वहां कटघरे से कहा, या जो मुकदमे के दौरान कहा, वो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। उसके पास इतना टाइम नहीं था, उसको इतना मौका नहीं मिला कि भी वो बड़े बड़े भाषण देंदा, या कई कई बारी में नई नई बातें कहता, उसको बहुत थोड़ा समय मिला, इतना सा टाइम मिला। और जज कहता रहा, अगर भाई मैं तेरे ये भाषण नहीं सुनने के लिए बैठे यहां, जो कोई अपने बचाव में कोई तथ्य की बात कहनी है तो कहो, नहीं तो ना कहो, विचार नहीं सुनता मैं, तने कराया कि ना कराया, बस ये बता। लेकिन फिर भी जो उन्होंने ये बातें कही उस टाइम पे, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये तो उनकी एक एक लाइन उधम सिंह की, क्योंकि बहुत ही कम समय में कही गई बातें, ऐसे टाइम पे जबकि उसको पता है तेरे को अगला सेंटेंस तेरे लिए फांसी है, कही गई बातें बहुत महत्वपूर्ण बात। उसमें एक बात ये कही, और वहां पे क्योंकि मुकदमे के दौरान कुछ अंग्रेज भी बैठे हुए थे जो वहां के वर्कर्स थे, कि मेरे को अंग्रेजों से नफरत नहीं है, अंग्रेजी मशीनरी से नफरत है, मैं अंग्रेजों का शत्रु नहीं हूं, ये जो अंग्रेजी लूट की मशीनरी है इसका वो हूं मैं। और उनकी तरफ ऐसे हाथ करके कहा कि भी थारा भी बुरा हाल इन्हीं ने कर रखा इसी मशीनरी ने, ये क्या क्या करते हैं इंडिया में, जो करती है अंग्रेज सरकार वो तो इंग्लैंड के अखबारों में छपता भी नहीं, आपको नहीं पता लगता क्या हो रहा है वहां पे, यहां तो बढ़िया बढ़िया विकास विकास की बातें छपे हैं बस, आपको नहीं पता लगता, हमें पता है इंडियंस को कि वहां पे क्या हो रहा है, कैसे जुल्म अत्याचार दमन कैसे क्या क्या किया जाता है। इंग्लैंड में तो ऐसे बताया जाता है कि जैसे अंग्रेजी सरकार तो यहां बहुत धर्म का काम कर रही है, विकास कर दिया, विदेशों में जाके तो मतलब आप पता भी दूर बैठा बंदा है, राजनीति बदली नहीं है। तो इसलिए ये जो उनकी जो बातें हैं, उनकी जो दृष्टि है कि ये पहचान करना अंग्रेजी मशीनरी में और अंग्रेजों में फर्क करना, ये कहां से आई उनके अंदर ये बात, इसी से पता लगता है कि उसने किसी अंग्रेज को नहीं मारा, उसने अंग्रेजी मशीनरी के उस प्रतिनिधि को मारा, उस प्रतीक को मारा, जो एक लूट का शोषण का इस चीज का वो बना हुआ था। तो उसमें ऐसी अनेक बातें उस छोटे से बयान में, छोटी सी बात में उधम सिंह ने कही कि किस तरीके से हुआ था। तो मैं ये बात कहना चाहता हूं कि जो विरासत है, देखो उनकी जिंदगी भी आपके सामने है, और कोई ऐसी नई बात नहीं कि कोई नई खोज आ गई हो, हर एक स्कूल के चैप्टर में भी मिल जाएगी वो, जे थोड़ी सी दिलचस्पी हो कोई इंटरनेट खोल लो उसी पे रखी बात, हर बार आकाशवाणी में आ रही, कल ने सुन लियो परसों ने सुन लियो, स्कूल के कायदे में धरी, वो बातें बताने के लिए ना मैं यहाँ खड़े हुआ आपके सामने के भी किस डेट में वो पैदा हुए थे, कब उनको फांसी टूटी थी, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, ये बातें सारे आप लोग जानते हो। विरासत है उनकी इस बात की कि उन्होंने
समाज को कैसे समझा, सामाजिक शक्तियों को कैसे समझा, सामाजिक शक्तियों के जो आपसी संबंध हैं उनमें शोषण और लूट कैसे छुपी हुई होती है और कौन उसको जो है निर्देशित करता है उसको समझा। कैसे शोषण के जो तार हैं वो वैश्विक तौर पे फैले हुए हैं, कैसे, ये बात उन्होंने बताई, चाहे प्रेमचंद हो चाहे उद्धम सिंह हो। उद्धम सिंह ने तो करके ही दिखा दिया, बहुत ही एक्शन किया, लेकिन प्रेमचंद के जो विचार हैं, जो रेडिकल हैं, जो बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से चीज़ों को समझने वाले हैं कि किसी भी जो समाज के अंदर जो बुराई है, बुराई सिर्फ इसलिए नहीं कि व्यक्ति की वजह से, सरकारी संस्थाएं जो सामाजिक, जो सत्ता की जो संस्थान होते हैं वो किस तरह से उसको प्रोन्नत करते हैं, कैसे उसको बढ़ावा देते हैं, चाहे वो अंधविश्वास हो, चाहे वो लूट और शोषण हो, चाहे वो अज्ञानता हो, चाहे वो लोगों की किस तरह से मानवीय गरिमा को समाप्त कर देता है कि लोगों को भूखे मार दो, जैसे कृष्ण जी बता रहे थे कहानी, तो उसका आत्मसम्मान अपने आप ही मर जाएगा और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। चीज़ों को इतना महंगा कर दो, इतना महंगा कर दो कि लोग रोटी के लिए तरस जाएं। ये जो ये प्रेमचंद ने बताई ये बात कि आखिर लोग इतने मजबूर क्यों हो जाते हैं, शासन सत्ताओं के गोदाम सड़ते रहते हैं लेकिन लोग भूखे मरते रहते हैं, ऐसा क्यों होता है। यदि ये बात हमारे को समझ में आ गई या लोगों को समझ में आ गई, भूखे मरने वालों को भूखे नहीं मरेंगे वो, लेकिन देखो क्या विडंबना है चंदी जी कि भाई सारी दुनिया में जो सा बंदा कहानी बनाने जानता है ना, क्या वो राज करता है दुनिया पे? आपने तो सोचा होगा भाई प्रेमचंद ने क्या कहानियां सी लिख रखी है मनोरंजक सी है। जिसके पास नैरेटिव है, जिसके पास स्टोरी है, जिसके पास कहने के लिए कुछ कथा है, वो शासन करता है लोगों के दिलों पे, दिमागों पे। आज से बात नहीं है ये कि जितने बाबियां की फौज फिरा है, आज की नहीं है, शुरू से हर 100 साल में इतने मोटे मोटे पोथे किस लिए लिखे गए, एक ही बतेरा था लिख दिया था, पढ़े जाते महाभारत बस, आई साल लिखने पड़ रहे हैं, क्यों भाई? इसलिए इस बात को समझो कि जिस पे नैरेटिव है, जिस पे स्टोरी है, जिस पे कहानी है, वो दुनिया पे राज करेगा। और जो अपने पे कहानी ही नहीं, अपने पे कोई स्टोरी ही नहीं, कोई नैरेटिव ही नहीं, तो राज तो भूल जाओ, फिर नहीं हो सकता। इसलिए जो प्रेमचंद ने जो कहानियां बनाई या जो हमारे लेखकों ने बनाई, जो आम लोगों के लिए जो स्टोरीज हैं, जो उनमें हौसला पैदा करती हैं अपनी ज़िंदगी को वो सीखने का, सुधारने का, जीवन में एक हिम्मत पैदा करने का, लड़ने के लिए प्रेरित कर देती हैं कि बंदा जो है वो फांसी पे चढ़ जाता है, उन स्टोरीज को देखो, उन कहानियों को पकड़ो, ये विरासत है इनकी कि कैसे उन्होंने अपनी कहानियां बनाई अपने समय की, और जो पहले की कहानियां मौजूद थी उनको रिन्यू किया, उनको दोबारा से ताजा किया, याद करवाया। और देखो कोई वर्ग कहो उसको, कोई पार्टी कहो, कोई दल कहो, जो ये काम कर लेगा वो आगे बैठे ही है। बात यह कि कहानी किस पर कितनी सुना रहा है, वो कहानियों की ताकत है। ये कहानियां जो इतनी बनी है वैसे ही नहीं बनी, इतनी व्रत कथाएं सत्य कथाएं आप जो पढ़ते हो, पढ़ते नहीं मतलब सुनाई जावे धक्का था हमारे को, पढ़ने की जरूरत ही नहीं। कितनी बार सुनाई जा रही है, साल में दिन गिन लो। इस विरासत की कहानी को तो सुनाना पड़ेगा, तभी कोई बात बनेगी। तो यही दो चार बातें होती हैं। देखो सारे साथी यहाँ पे सब समझदार हैं, सब इस कोई बहुत ही प्राथमिक लेवल की बात करने की ऐसी कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, हम सब जानते हैं इस बात को, इस चीज़ से जुड़े हुए हैं, लेकिन कि जहाँ फंसे हुए हैं कि एक
लोग क्या सुनना चाह रहे हैं और आपके पास क्या है, आप किस तरह से बता रहे हो और लोग किस तरह से सुनना चाह रहे हैं। प्रेमचंद कह रहे हैं कि सिर्फ राजनीति नहीं, सिर्फ सिर्फ उनका पेट भरने से नहीं है बात, उनका जो ये दिमाग में जो संजाल जिसको कहते हैं नेटवर्किंग, वो रखे जो जितना मकड़ी ने जाले बुन रखे हैं, नहीं हमारे दिमाग में ऐसे इन कहानियों ने जाले बुन रखे हैं, निकलने नहीं दे रहे। बंदा रोटी खा गया फिर उसे जाला में घुस जाए, फिर अपने धोख मारन चल दिया ठाके थाली, जब तक उसमें से नहीं निकलेंगे तब तक हमारी ये विरासत शहीदों की, लेखकों की, ये फलने फूलने वाली नहीं। और उसको देख लीजिए आप लोगों के अंदर, शहीदों का और लेखकों का कितना वो है। अभी आप देख लीजिए कि हर घर तिरंगा, अभी सरकार ने एक अभियान दिया बहुत अच्छा, क्योंकि लोगों के अंदर आज़ादी का एक जज्बा है ना, तभी तो दिया, समझ रहे हो आप। एक लोगों के अंदर भावना है, उस भावना को आप कैसे डेमोन्स्ट्रेट करोगे, यही तो चुनौती है सबके सामने। और क्या है कि जो अंदर है उसको आप निकालोगे कैसे, जो अंदर है उसको आप शब्द कैसे दोगे, उसको आप कार्यक्रम कैसे दोगे, बस इतनी सी बात है। ये तो नहीं हम कह सकते कि भी देश इंडिया के लोग देशभक्त नहीं रहे, नहीं, देशभक्ति तो विस्फोट हो रहा है उसका, तो उछाल मार रही है, कुलांचे भर रही है। देशभक्ति के नाम पे, देशभक्ति के उस पे अनेक चीज़ें होती हैं जो कई बार बहुत अच्छी नहीं होती इंसानियत के लिए, देशों के लिए, लेकिन मूल बात तो देशभक्ति है ना उसके अंदर भी। लोग क्यों फंस जाते हैं ऐसी ऐसी चीज़ों में भी, तो वो जो एक बहुत अच्छी पवित्र भावना है हर एक व्यक्ति की, जो दूसरे के लिए काम आना चाहता है, त्याग करना चाहता है, बलिदान देना चाहता है अपना, कि उसको किस तरीके से इस भावना के साथ जो ये चली आ रही है प्रेमचंद और इसके माध्यम से, उसके साथ कैसे आप जोड़ें, कैसे उसका कनेक्ट करें, कैसे उसका रिलेशन बनाएं, कैसे संबंध स्थापित करें, ये चुनौती है। वो तो संभव होगा उन्हीं कहानियों के माध्यम से ही। गुरु गोविंद सिंह की कहानियां सुनते हैं, शहीद हो गए साहबजादे, शहीद हो गए, बार बार सुनते हैं तो फिर लोग शहीद होने का मन करता है ना। यदि ये कहानियां समाप्त नहीं होंगी, समाप्त हो जाएंगी, शहीद पैदा होंगे नहीं। तो ये हमारे उसमें इस विरासत में जो जहां से ये लोग पैदा हुए, कृष्ण जी जैसे कह रहे थे कि 1857 से आप देख लीजिए, 1857 के जो शहीद हैं, दोनों ही प्रेमचंद भी और ऊधम सिंह भी उनसे जुड़े हुए हैं। किस तरीके से जुड़े हुए हैं, 1857 एक आप समझते हो कि एक सशस्त्र विद्रोह था, हथियार लेकर लड़ी गई लड़ाई थी, वो गैर हथियार की नहीं थी। और शामिल कौन हुए थे, सबसे पहले हुए थे फौजी, बाद में जुड़े रजवाड़े जुड़े, बाद में लक्ष्मी बाई भी जुड़ गई, बहादुर शाह जफर भी जुड़ गया, फलाना भी जुड़ गया, बतेरे नाम है, लेकिन सबसे पहले कौन आए थे साथ में, फौजी जो अंग्रेजी सेना में ही थे, और तो कोई नहीं थे, अंग्रेजों की तनख्वाह लेते थे वो, लेकिन वो फौजी कौन थे, वो किसानों के ही बच्चे थे, वो फौजी अग्निवीर में क्या तब्दील हो रहे, फौजी। तो वहां से शुरुआत हुई, यानी कि साधारण लोगों ने शुरुआत की, लेकिन बाद में दूसरे लोग जुड़ गए और 3-4 महीने तक वो चला भी पाए अपना शासन, 3-4 महीने तक उनका शासन रहा है फौजियों का। फिर से अब उस विद्रोह को या उस स्वाधीनता आंदोलन को सबसे ज्यादा याद किया गदर पार्टी ने, जो एक गदर पार्टी थी पंजाब की, ज़्यादा लोग थे उसमें, थे तो सारे देश के ही, महाराष्ट्र के भी थे और भी लोग थे जो बाहर जाके बनी थी। उन्होंने सबसे पहले गदर निकाले एक अखबार, अखबार का नाम था गदर। क्यों निकाला अखबार, ये कहानियाँ सुनाने के लिए,
और किस लिए अखबार निकाला था? ये निकाला था कि भाई आज उड़े इतने मर गए, भाव बढ़ गया, एक्सीडेंट हो गए, पढ़ा नहीं रोज मंडी में गधे बढ़ गए, या आ रहे ना अखबार में, इसलिए निकाला था वो गदर अखबार। इसीलिए निकाला था कि जो लोगों को अपनी स्थितियों का पता चले कि वो कहाँ जी रहे हैं, उनके साथ बन क्या रहा है, वो आपस में बात करें, उनको जोड़ने वाला एक न एक एक स्टोरी सब में जाएगी, एक ही टाइम पे एक ही बात सब में जा रही है, वो एक बात एक धागे की तरह से सबको जोड़ रही है। और उसने गदर पार्टी ने सबसे ज्यादा 1857 वाले शहीदों को याद किया। 1857 का भी एक दो ही विरासत है 1857 की, क्या कि हिंदू मुस्लिम एकता, दोनों मिल के लड़े थे, ये जो फौजी थे 85 जो यहाँ से चले थे मेरठ से, उनके नाम पढ़ लो आप, और उसके बाद पढ़ लो आप, या उस टाइम के रजवाड़ों को भी देख लो, हिंदू मुस्लिम दोनों ही शामिल हैं, बहादुर शाह जफर भी है और लक्ष्मीबाई भी है। धर्म के आधार पे फूट पैदा ना करके इकट्ठे होकर के लड़ना, और किसके खिलाफ लड़ना? साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ना। ये दो 1857 की सबसे बड़ी देन है, विरासत है 1857 की, जो हमेशा अंग्रेज सरकार को खटकती रही, कोशिश करती रही कि किसी तरह से लड़ जाएं, या किसी तरह से लड़ जाएं, और कामयाब भी हो गए। हमारे ही अंदर से ऐसे लोग पैदा कर लिए उन्होंने, जो स्वार्थी थे, जो अपने लिए कुछ खास सुविधाएं चाहते थे, होते हैं समाज के अंदर ऐसे लोग भी, उनको अपने साथ लगाया, उनको जमीनें दी, इनाम दिए, पदवियां दी, पता नहीं क्या क्या दिया, और उनके साथ मिलकर उन्होंने राजनीति शुरू करी सांप्रदायिकता की। हमेशा स्वतंत्रता आंदोलन में एक चुनौती बनी रही सांप्रदायिकता। जब भी गांधी जी का कोई बड़ा आंदोलन हुआ, जब भी बड़े बड़े, उसके तुरंत बाद एक सांप्रदायिक दंगा हुआ, बिल्कुल पैरेलल चीज चल रही है। आप यदि फ्रीडम स्ट्रगल की हिस्ट्री देखो कि ये असहयोग आंदोलन है और उसके बाद एक बड़ा दंगा, ये फला आंदोलन है, स्वनीय अवज्ञा आंदोलन है और इसके बाद एक बड़ा दंगा, क्यों होते हैं, क्या मैचिंग है इसके अंदर, बताइए इसमें क्या तालमेल है कि एक बंदा जो खिलाफत आंदोलन में, पता है ना तुर्की का कोई मामला था, उस कहानी में जा रहे आप जान लियो, जो जामा मस्जिद है दिल्ली की, मस्जिद में एक जगह होती है मिंबर बोलते हैं उसको, वहां सिर्फ वही बंदा जा सकता है जो वहां का मौलवी कहो, जो नमाज पढ़वाता है वो को सबसे आदरणीय बंदा जा सकता है मिंबर पे, आम बंदा नहीं चढ़ सकता। एक हिंदू को बिठाया, किसको? हिंदू को, कोई साधारण मुस्लिम भी नहीं चढ़ सकता मिंबर पे, लेकिन खिलाफत आंदोलन वो होया, उस आदमी का मर्डर हो गया, सांप्रदायिक दंगा हो गया। ये कैसे हो गया कि जो उस आदमी को आप मिंबर पे बिठा रहे हो उसका कत्ल किया जा रहा है? ये पूरा अंग्रेजी डिजाइन है कि यदि ये एकता बनी रही, 1857 में देखा था नजारा एकता का, और कभी वो सरकार भूल नहीं पाई। और ये आप समझ सकते हो कि भी सबसे बढ़िया तरीका है लोगों को आपस में लड़वाओ और शासन करो। तो ये है विरासत इनकी कि अपनी जनता को लड़ने ना दो, उसके अंदर फूट के बीज ना पड़ने दो, चाहे जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, इलाके के नाम पे, किसी भी चीज के नाम पे। और जो लोग उसमें फूट डाल रहे हैं वो अंग्रेजों के ही विरासत को चला रहे हैं आगे, कोई हो चाहे, यही पहचान है उस बात की। इसी की वजह से देखो भारत एक इतना बड़ा देश था, दो टुकड़े बन गए थे भारत और पाकिस्तान, किस वजह से बन गए थे? इन्हें की तो करतूत थी जो उनसे अंग्रेजों के साथ मिलकर राजनीति करते थे धर्म के। तो ये जो विरासत है शहीदों की कि सांप्रदायिक सद्भाव, धार्मिक एकता, भाईचारा, यही तो बताया प्रेमचंद ने, शहीद उधम सिंह ने, शहीद भगत सिंह ने, और क्या बताया उनकी सारे लेखों में और सब में करनी यही है।
अब उद्धम सिंह ने पूरा नाम लिखवा रखा था, मोहम्मद सिंह आजाद पूरा बाजू पे टैटू। बताओ मोहम्मद सिंह आजाद लिखवा रखा था, मोहम्मद सिंह किस लिए लिखवा रखा था भाई? ये उस बात का प्रतीक है कि उनमें वो कोई इस बारे में फर्क नहीं, कोई प्रण पैदा हो गया। बताओ किसी ने पूछा था कौन कहां जामेगा? पूछा था चंदी कहां पैदा होना? किसी से पूछा है? बाई चांस है उसकी वजह से। बताओ किसने यहां अपना जो धर्म अपनाया, किसी ने वेद पढ़ गया अपनाया हो तो ले आओ मेरे लवे, किसी ने गीता पढ़ गया या किसी ने कुरान पढ़ गया, कोई इस्लाम स्वीकार करे हो, परिवार से मिल रहे हैं बस, पढ़ के तो डॉक्टर अंबेडकर ने अपनाया था बस, और भी बहुत लोग होंगे जो ये सोच कर कि हाँ मैंने इसको अच्छी तरह पढ़ लिया और मैं अब इसके नियमों के हिसाब से चलना चाहता हूँ और मैं इस धर्म को स्वीकार कर रहा हूँ। चांस की बात है, हमारे माँ बाप हिंदू गए कर दे, हम हिंदू हो गए और क्या हो, वो माता मसाणी दुख कहते हम भी दुख रहे, वो दूसरे वाले पीर दुख कहते या नमाज पढ़े थे वो नमाज पढ़ रहे बस, और बताओ कौन सा ना भाई यहाँ पे, जिस बात का हमने सोचा ही नहीं कभी। तो ये शहीदों की विरासत है कि किस तरीके से अपने धर्म की भी रक्षा करो और आपस में भी ना लड़ो। यदि आपकी धार्मिक आस्था है, आध्यात्मिक भावना है, तो आप सारा दिन भक्ति करते रहो, किसी ना की तकलीफ है कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत तो यहां से शुरू होता है जब ये कहते हैं भाई तू न्यू क्यों कर रहा, न्यू कर जिस तरह मैं कर रहा हूं भाई, सबको छूट है कोई दिक्कत ही नहीं। तो ये थी विरासत और साम्राज्यवाद विरोध, 1857 से शुरू हुई, दोनों चीजें लगातार चल रही है। अब देख लो आपने जिस विरासत से जुड़ना हो पंगा तगड़ा पड़ेगा, क्योंकि जो साम्राज्यवादी शक्तियां हैं वो अनेक कंपनियों के माध्यम से इंडिया में नहीं हमारे गर्भ में घुस चुकी हैं, हमारी सोच का हिस्सा बन चुकी हैं, वो हमारे मनोरंजन का, हमारे खान पान का, हमारे पहनावे का, इन सब चीजों का हिस्सा बन चुकी हैं, हमारी रसोई में है वो साम्राज्यवाद, कहीं और नहीं है। और जब इतनी नजदीक आ जाए वो, फिर तो पहचान भी भूल जाती है जी कि भी ये साम्राज्यवाद है या कोई अपने अपना ही काम है, फिर उसकी पहचान भी नहीं कर सकते। तो इसलिए साथियों के भी जो जो ये शहीद हैं, शहीद उधम सिंह या मुंशी प्रेमचंद, इन्होंने अपने समय को समझा, अपने समय को समझने के लिए अपने समय का और उससे पहले का साहित्य का अध्ययन भी किया, लोगों के चरित्र भी देखे कौन किस तरह का है, और फिर उसी में से अपना रास्ता तय किया कि अभी हम किधर हैं, यही हमारे सामने है कि अभी हमें भी चुनना पड़ता है खुद, चॉइस इज योर्स ऐसे कहते हैं ना, कि दोनों ही हैं, दोनों चीजें हमारे सामने हैं, कौन सी चुननी है, हमारे अपने लोगों के लिए जिस वर्ग से हम ताल्लुक रखते हैं, यदि हम सारे समाज की बात करना चाहते हैं तो हम ये जरूर चाहेंगे कि सबको खाने के लिए रोटी मिले, सबके विकास के लिए, सेहत के लिए, पढ़ाई के लिए, दवाई के लिए, हर चीज़ के लिए सबको अवसर मिले, सारे लोग अपने होने का यहाँ कंट्रीब्यूट कर सके समाज में, जो उत्तरदायित्व होते हैं एक सामाजिक व्यक्ति के कि जो उसने सीखा आगे बढ़ाए उसके मौके मिले यानी रोजगार मिले। तो ये सब चीज़ें जो है वो इसमें से निकलती है। तो ये किसी का भी नाम लो, शहीद उधम सिंह, मुंशी प्रेमचंद, शहीद भगत सिंह, रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, या गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, या उनसे पहले के जो समाज सुधारक हैं जिसमें ज्योतिबा फुले, सावित्री बाई फुले, या और पीछे चले जाओ कबीर, रविदास,
या और पीछे चले जाओ बुद्ध तक, ये लड़ाई हमेशा ही चलती रही। अपने अपने समय पे इन समाज सुधारकों ने, महापुरुषों ने योगदान दिया, इसी बात को समझ के दिया कि हमारे लोगों को ठगा जा रहा है। ठगा कह कुछ रहे हैं, दिखा कुछ रहे, हो कुछ रहा, ठगा जा रहा है। इसलिए लोगों को सचेत करने की, सच्चाई बताने की जरूरत पड़ती है, और उसके बहुत खतरे हैं। आज का खतरा नहीं, कबीर ने लिखा था कि भी सांच कहो तो मारन धावे, और झूठो जगपतियाना, साधो देखो जग बोराना। कि साधो यानी कि दोस्तों, देखो यह जग पागल हो गया, उन्मादी हो रहा है, जग बोराना बोला हो गया। सांच कहो तो मारन धावे, सच्चा कहूं तो मारने को लिए आते हैं, और झूठो जगपतियाना, और उस झूठे पे विश्वास कर रहे हैं। झूठे में विश्वास कर रहे हैं जी, क्यों? क्योंकि झूठे पे एक कहानी है। क्या झूठे पे एक स्टोरी है और कुछ नहीं। स्टोरी क्योंकि इनके कारनामों की, इनके कामों की, इनके विचारों की हमें कहानियां बना बना के आगे बताने की ज़रूरत है। देखो समाज में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस बात की कि लोगों के अंदर हौसला आए। जब निराशा होती है तो लोग और ज़्यादा निराश हो जाते हैं। जब मान लो इस तरह का वक्त होता है कि लोगों पर रोज़गार नहीं, शिक्षा नहीं, या पस्ती फील करते हैं, जैसे इतनी बड़ी महामारी आ गई, किसी के काम छूट गए, कोई किसी का कोई परिवार से कोई प्यारा चला गया, सो चीज़ें सबके साथ हुए हैं, ऐसे में बंदा और निराश हो जाता है। निराश होने से वो और ज़्यादा अपने अंदर सिकुड़ने लगता है। ऐसे में उसको और ज़्यादा उसकी ज़रूरत पड़ती है, और हीलिंग थेरेपी होती है ना, जैसे ये नहीं है कि भाई ईंट मारी ठाक है सूचना की, नहीं, बहुत प्यार से। देखो मैं एक बात कहता हूँ कि भाई आपने आदमियों के दिमाग का इलाज करना, घुटने का तो नहीं करना, जो डॉक्टर दिमाग का ऑपरेशन करता है उसके औजार और घुटने वाला डॉक्टर के औजार, उनमें बहुत फर्क होता है। यदि आप घुटने वाले औजारों के साथ दिमाग का इलाज करने निकले तो बंदा मरे मरे जिसका इलाज हो ना, क्या? तो हमें इन डॉक्टरों को, दिमाग वाले डॉक्टरों को, संस्कृति वाले डॉक्टरों को, अपने औजारों को उतना ही ज़्यादा सेंसिटिव, उतना ही ज़्यादा संवेदनशील, उतना ही ज़्यादा वो करने की ज़रूरत है। उस चीज़ की ज़रूरत है। कैसे आप जो है भीतर हाथ सहार दे और बाहर बाहर चोट, कि अंदर से आप कैसे उसको सपोर्ट देंगे और फिर उसके बल काटेंगे, आप कैसे उसके अंदर जो टेढ़ा पड़ा है उसको ठीक करेंगे। यदि आपने अंदर से सहारा ना दे के ही ठीक करने की कोशिश की तो मटका टूटा ही टूटा है, वो मटका कच्चा गड़ी का, मिट्टी का बन नहीं सकता पक्का। सौ बार झूठ बोली सच होगी, और जे सौ बार सच बोल दें जे फिर उसमें क्या कसर रह जाएगी? सच्चाई भी अपने आप नहीं फलती, उसको भी पानी देना पड़ता है, खुराक देनी पड़ती है। आप सोचो भी सच्चाई है अपने आप ही बढ़ जाएगी, नहीं। झूठ के जितने भी ये खरपतवार है ये उसको बढ़ने नहीं देगी सच्चाई। इसलिए साथियों आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने शहीद उद्धम सिंह जिसने करके दिखाया, और मुंशी प्रेमचंद जिसने करके दिखाने खातिर तैयार करे, उन दोनों का जोड़ जो है उसके ऊपर बातचीत यहाँ पे रखी और मुझे भी शामिल किया, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।